बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सुंदर साहब जी, वीडियो सेवा कारखाना के सदस्य, सूरत की सुरताएं, आइए। बहुत सुंदर उनके द्वारा बीतक साहब से प्रेरित होकर बहुत ही सुंदर वीडियोस जो बनाए गए हैं। एंड थैंक यू सो मच गांगजी भाई, जो आज के हमारे जूम के हैं, उनकी तरफ से सूरत आने का इनविटेशन प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम करती हूँ। रसीला बेन, आपके घर आकर आपको जो खुशी होगी वो तो होगी, पर मुझे कितनी खुशी होगी वो नहीं मैं आपको बता सकती। हाँ जी, आइए चलते। आपको ये अलौकिक ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ गांगजी भाई? कल जब मैं भागवत सुन रहा था ने, तो उसमें मुझे पूर्ण ब्रह्म प्रियतम अक्षरातीत ने मुझे दर्शन दिया, साक्षात रूप में दर्शन देकर, और उन्होंने मुझे ये ब्रह्म ज्ञान बताया। आपको अलौकिक ज्ञान की आध्यात्मिक प्राप्ति हुई है? जब मुझे अक्षरातीत ने दर्शन दिया और वो मेरे धाम दिल में आकर बैठ गए, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक क्षर का ब्रह्मांड है और ये आदि नारायण का सांकल्पिक स्वरूप है, और उसमें हम सब प्राणियों इसमें उसके स्वरूप है, और इस क्षर जगत से परे देहद मंडल है, और देहद मंडल के अंदर अखंड व्रज और रासलीला आज भी अविरत पढ़ने चालू है, और इसके भी परे दिव्य परम धाम है, और वहाँ कण कण में सचिदानंद अक्षरातीत स्वयं लीला करते हैं। कि आपके अंदर तो पार ब्रह्म परमात्मा विराजमान है, तो आपका स्वरूप ही मेरे लिए पार ब्रह्म है, आप मेरे घर। अरे बहन, ये लोग कब से खड़े होकर बातें कर रहे हैं, न जाने कौन सी बात है। मेरे हिसाब से इस बात का भान कराना होगा, वरना पता नहीं कितनी देर तक ये लोग खड़े रहेंगे। आओ चलकर इनसे बात करें। अरे भाई, आप लोग कब से खड़े हो, कहीं बैठकर बातें करें, आप लोग थक गए होंगे। प्रणाम देवजी महाराज जी, प्रणाम। आपके अंदर, अरे गांधी जी, आपके अंदर अक्षरातीत धाम का स्वयं विराजमान है, तो आप मेरे लिए अक्षरातीत ही हो, आप मेरे घर चलिए, और अब हम सब के लिए, हम सब से अलौकिक ज्ञान की चर्चा सुनाइए, मैं आपकी जी भर के सेवा कर लूं। प्रेम प्रणाम जी, बहुत सुंदर। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं, बीच में थोड़ा थोड़ा समय देते जाइएगा बस। हाँ जी, बहुत प्यारे आगे और वीडियोस हैं, और हमें आज ही देखने हैं सुंदर साहब के। जी आइए चलते हैं, सेकंड वीडियो बहुत ही सुंदर, और ये पूरा डिस्क्रिप्शन लिख के भेजा है मुझे भावदीप भाई ने, कौशिका बेन ने, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस ये जूम पूरे देवचंद्र। प्रणाम गांधी भाई, आप अच्छे हैं, मैं आप सरसा में क्यों नहीं आया? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन आज मैं कारणवश नहीं आ पाया चर्चा में। गांधी भाई, आपके पास समय हो तो आज मैं भागवत संबंधित आपके साथ कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं,
आपसे पहले से ही कहा था कि आपके मन में भागवत के रहस्यों में कोई भी बात आए तो आप मुझे अवश्य बता देना। जब भट्ट जी के साथ हम दोनों ही भागवत चर्चा सुनते थे तो भट्ट जी बोलते थे कि 3 गुण 5 तत्व और 14 लोक जब महाप्रलय हो जाता है तभी ब्रज और रासलीला तो अविरत पने चालू ही रहती है। ये बात तो बड़ा रहस्यमय है। तो वो बात तो इतनी सुंदर भागवत में बात लिखी है लेकिन ब्रज रास कैसे अखंड हो सकता है? ये प्रश्न तो बड़ा रहस्यमय है। तो भागवत में तो लिखा है कि जब कृष्ण जी के साथ गोपियां भागी थी तो उसके पीछे तो कोई नहीं गया था और जब गोपियां उसके साथ जब रासलीला खत्म हुई तो गोपियां तो अपने घर वालों के साथ सोई हुई मिली थी। ये तो बड़ा रहस्यमय प्रश्न है। आप ये प्रश्न कहाँ से लाए? आप हम दोनों ही सुनते थे तो मेरे मन में तो कभी नहीं आए इस बात। इंदर साहब जी, पीछे की गोपियों को आपने देखा? कोई लाठी पकड़ के घूम रही है ना? और वो मैंने उनको देखा, शीतल बेन तो ऐसे बुढ़िया माँ की तरह ऐसे चलने की वो, और सविता बेन कभी छोटी गगरी उठाकर आती हैं, कभी बड़ी वाली मटकी उठाए आती है, और आपस में कैसे अभिनय कर रहे हैं बात करने का, कभी आपस में अटखेलियां करने का। बहुत सुंदर, अति 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 सुंदर अभिनय सब सखियों के द्वारा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। ऑन द वे हैं और वीडियोस, ऑन द वे सुंदर साहब जी, अभी जो बन के आ गए हैं और BTS ब्लूपर्स भी बनाए गए हैं, वो कल ही मुझे प्राप्त हुआ। इसको क्या कहते हैं? BTS ब्लूपर क्या होता है? बिहाइंड द सीन। BTS बिहाइंड द सीन। कैसे तो ऐसे बैठी बातें कर रही थी, अचानक उठ के अभिनय करने लगी, वो BTS भी देखेंगे हम सब सुंदर साहब, बिहाइंड द सीन क्या क्या हुआ करता था, ये अगली बार देखेंगे। पर अभी मेन वीडियोस हैं, अभी जाइएगा नहीं। हाँ जी, 1 मिनट बस। इनका इनका कारखाना भी डाल दिया गया है सुंदर साहब जी, बड़े वीडियोस आएंगे अब, कल ही थोड़े दिन पहले ही बनाया गया। आइए चलते हैं जल्दी से। अरे अजबाई, आओ आप। प्रणाम बुआ जी, प्रणाम। बहुत दिनों के बाद आई हो, तुम तो हमारे घर का रास्ता ही भूल गई हो। हाँ बुआ जी, आजकल अक्षराती श्री भाजी हमारे घर जो आई है और हमें दर्शन जो देते हैं और उनकी सेवा पूजा और दर्शन से हमें समय ही नहीं मिलता। क्या मैं सच कह रही हूँ बुआ जी? यदि आपको यकीन नहीं आता तो हमारे घर चलकर देख लीजिए, वो सभी सुंदर साथ को दर्शन देते हैं और कभी कभी तो वो हमारे घर भोजन भी करते हैं और भोजन में कोई कमी रह जाती है तो हमें वो बता भी देते हैं। मैं नहीं मानती ये सब। माना कि तुम्हारे ससुर गांधी भाई बीजानंद संप्रदाय के बहुत बड़े आज्ञाकारी और सेवाभावी सुंदर साथ है, किंतु इसका अर्थ ये तो नहीं कि वो तुम्हारे घर साक्षात आकर तुम्हें दर्शन दे और भोजन भी करे। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। तेरी हूँ बुआ जी, आपको यकीन न आए तो हमारे घर आकर देख लीजिए। और आज जो वो जब यमुना जी का वर्णन कर रहे थे तो साक्षात यमुना जी हमारे घर पधारी और उनका सब सुंदर साथ ने दर्शन भी किया और उनका जी भर के पान भी किया और स्नान भी किया। सच? एकदम सच बुआ जी, यकीन नहीं आता तो हमारे घर चलकर देख लीजिए। चलिए, प्रणाम। प्रणाम जी, कितनी सुंदर अजबाई और कितनी प्यारी मेघबाई, पीछे गुजरात की वो सुंदर सी कलाकारी, बिल्कुल गुजरात की वो धरती की सोंधी सोंधी सी सुगंध भी आती है सुंदर साहब जी। शीतल बेन अजबाई जी, नैना बेन मेघबाई जी के रूप में, ये सारी इंफॉर्मेशन
कौशिका बेन, भावदीप भैया ने मुझे लिखकर भेजी है, और आगे देखिएगा कौन कौन आ रहा है अभी। पद्मा जी खुश हो जाइए। हाँ जी चलिए, उस दिन राज्जी का हुक्म नहीं था ये चलाने का, ऐसे लगता है कंप्यूटर बंद हो गया था, आज सीरियल ऑर्डर में ये इतने प्यारे चलने थे इसलिए आए। हाँ जी बस जी स्वामी। दादी क्या बात है, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। क्या बात कर रहे हो स्वामी? हाँ आज तो तुम राधा रानी की तरह लग रही हो। क्या कहो तो पद्मा, सुंदरता का कोई पैमाना नहीं होता, सुंदरता तो सुंदरता होती है। जैसे राधा जी निर्मल मन और सौम्यता का प्रतीक, वैसे ही बिल्कुल तुम हो। क्या स्वामी आप तो कविता करने लग गए, आपको जाने की देर नहीं हो रही? अरे हाँ मैं तो भूल गया, हमें राधा कृष्ण जी के मंदिर जाना है, चलो। अरे देवर जी ये तो भूल गए, आज तुम्हें गांधी भाई के घर जाना है, वहाँ जाकर निजानंद स्वामी जी की चमत्कारिक कथा सुननी है। गांधी भाई के घर कैसी चमत्कारिक कथा? आज अजबाई आई थी हमारे घर, वो गांधी भाई के घर निजानंद स्वामी जी चमत्कारिक कथा कह रहे हैं, वहाँ जाकर वो चमत्कारिक कथा आपको सुननी है। वो उसने मुझे कई बार निमंत्रण दिया वहाँ जाने का, पर मेरे पास समय नहीं है इसलिए मैं वहाँ नहीं जा सकती। तो आप दोनों जाकर वहाँ जाकर कथा सुन के आइए। वो परम धाम की दिव्य यमुना जी की कथा सुना रही है, वह सभी सुंदरता यमुना जी का रसपान, अमृत रसपान कर रहे हैं और उसका जलपान भी कर रहे हैं और स्नान भी कर रहे हैं और वहाँ साक्षात राजी पधर रहे हैं और वहाँ भोजन भी कर रहे हैं। आज तो मैं नहीं जाऊँगा, मुझे जरूरी काम है, लेकिन मैं पद्मा को रास्ते में छोड़ दूंगा। जैसी आज्ञा आपकी दीदी। अभी हम दीदी राधा रानी के मंदिर जा रहे हैं। आज तो बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत सुंदर, अति सुंदर। इसमें नैना बेन से मेघबाई जी, मीनाक्षी बेन पद्मा जी और वंदना बेन गोवर्धन भाई जी के रूप में अति 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 सुंदर सुंदर साजी, बहुत सुंदर। और खुद मुख से बोले हुए वो डायलॉग मैंने देखा, हाथ पे भी एक सुंदर साथ ने लिखे हुए थे, जब मटकी का वो कार्यक्रम हो रहा था हल्का सा हाथ की तरफ ध्यान, बड़ा प्यारा लगा। सुंदर साहब जी इतना प्यारी, ये छोटी छोटी जो लीलाएं है ना आपकी, छोटी छोटी सी ये शरारतें भी बहुत सुंदर अति सुंदर, ये धनी डायरेक्ट कर रहे हैं, बड़ा प्यारा है ये। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। ऐसे ही और बनाइए इस फैक्ट्री में, और बनने चाहिए एवरी संडे सुंदर साहब जी, हम ये किया करेंगे जितने वीडियो आए, या फिर कोई बच्चों ने कुछ किया हो, कोई बड़ों ने कुछ किया हो, हमें फैलानी है पॉजिटिविटी, तो और बनाकर जरूर भेजिएगा। बस एक मिनट और, मैं तब तक बोल रही होती हूँ सुंदर साहब जी, मैं आपका समय नष्ट नहीं कर रही होती, जितना समय खुलने में लगता है ना उतना समय मैं बोल रही होती हूँ। आइए चलते हैं। सबको खोल रही हूं सुंदर साहब जी, साथ में आवाज आनी चाहिए। अभी नहीं खोलेंगे, एक मिनट रुकेंगे, साथ में सुर से सुर मिलाकर। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, सूरत की सभी श्रोताओं के चरणों में प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी।
प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी स्वागत की शुभ। हाँ जी, अब दो पिक्चर्स भी आई हैं, वो भी देख लेते हैं सुंदर साहब जी, साथ ही तो ये पूरा पैकेज कंप्लीट हो जाएगा आज का। बहुत मेहनत करनी पड़ती है सुंदर साहब जी, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये देखने में तो दो चार मिनट ही लगते हैं, पर इसके पीछे कितनी मेहनत होती है। और सारा सुंदर साहब जब घर पे आया हुआ हो, मैंने देखा इधर तो वो चल रहा है, अभिनय चल रहा है, और उधर हमारे गांगजी भाई है ना, वो रसोई में भी पहुंच गए हैं। सारे सुंदर साथ की सेवा करने के लिए पतीला भी चढ़ाया जा रहा है, क्योंकि सुंदर साथ घर पे आया है। तो ये इस प्रकार से नहीं होता है, जिस प्रकार से केवल दिखाई देता है ना दो मिनट का, पीछे कितनी मेहनत छुपी होती है उन सब सुंदर साथ के हृदय में विराजमान युगल स्वरूप को कोटान कोट प्रणाम। जिन्होंने इसको लिखा, जिन्होंने वस्त्र आभूषण चुने, जिन्होंने पीछे की डेकोरेशन की, जिन्होंने सफाई की, जिन्होंने भोजन बनाए, जिन्होंने वीडियोग्राफी की, जिन्होंने ये सिचुएशन वहां पे लोकेशन तैयार की, जिन्होंने फोटोग्राफी की, और उनके घर के सदस्य जिन्होंने जाने दिया, जिन्होंने साथ दिया कि जाओ ये सेवा करके आओ, घर का हम संभाल लेंगे। पीछे इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हुए सुंदर साथ के चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम जी। अति सुंदर सेवा, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। ये प्रेम सुंदर साथ जी हम सबको आपसे मिले। आइए अब देखते हैं वो बहुत प्यारी सी पिक्चर्स। आज ये मोस्ट प्रोबेबली फेसबुक पे भी आ जाएंगी, पर हम सुंदर साथ को तो फर्स्ट हैंड अभी मिल जानी चाहिए जो बैठे हुए हैं। आइए देखते हैं। तो ये देखिए कितनी प्यारी ये मटकियां ले लेके, कितने सुंदर ये सुंदर साथ लग रहे हैं। वाह राज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और एक और ये देखिए, ये पूरी टीम अति सुंदर। ये देखिए जरा देवचंद्र जी को, फोटो भी ऐसे नहीं कि बैठ जाए, ना ना पंखा झलते हुए, कितनी सुंदर ये बना के बैठते हैं, बहुत सुंदर। ये देखिए कौशिका बेन, ये भी एक वीडियो आ चुका है, वो डाउनलोड नहीं हुआ है। तो ये सब्जी से क्या याद आ रहा है, ये फोटो में डालूंगी सुंदर साथ जी। कौन सी सखी याद आई सब्जी से, अभी बताइएगा यदि ऑन करके सब्जी का टोकरा उठाया हो, कौन सी सखी हो सकती है, बताइए बताइए, हैंड रेज कीजिए सुंदर साथ जी। हाँ जी, कैमरा भी ऑन करना पड़ेगा इसके लिए। रसीला बेन के मुख की खुशी देखिए इस समय, क्यों ना उनसे पूछ ले सुंदर साहब जी। प्रणाम जी रसीला बेन। प्रणाम जी, प्रणाम जी हमारी प्यारी सखी रही भाई। हाँ जी, रही भाई की वासना, और यहाँ उनका क्या नाम था, कौशिका। कौशिका, बिल्कुल बहुत सुंदर कौशिका भाई। और इधर मीनाक्षी जी बताएंगे कि देवचंद्र जी के समय उनका क्या नाम था, अभी तो कौशिका है पक्का। खोजी भाई, प्रेम प्रणाम जी। खोजी भाई, खोजा संप्रदाय से आई इसीलिए वो खोजी भाई। अति सुंदर प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। तो उनका खोजी भाई का भी वीडियो आ चुका है, पर उसको डाउनलोड करने में थोड़ा समय, और अगली बार के लिए वो रखना भी तो चाहिए ना कुछ, कि नेक्स्ट संडे क्या होने वाला है। और दो वीडियो आ चुके हैं, आशा है थोड़े और बनके तब तक आ जाएंगे। प्रणाम जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, आशा नहीं है विश्वास है सुंदर साहब जी। प्रणाम जी, और नेक्स्ट वीक संडे को श्री मेहर सागर और श्री बीतक साहब 45 मिनट्स के होंगे। बाद में ये वीडियोस देखने के बाद इसी कारखाने से शुरू करेंगे इंटरव्यूज सुंदर साहब जी। कैसा दिल में आ रहा है सेवा करने के बाद, क्या बदल गया बिफोर एंड आफ्टर की जो स्थिति होती है ना, इस कारखाने के सदस्य स्वयं चुनेंगे कि अगली बार पूरी तैयारी के साथ तीन सुंदर साथ
इंटरव्यू होगी उनकी, वो तीन सुंदर साथ आप रेडी करके मुझे नाम उनके भेज दीजिएगा। तो इस प्रकार के सारे कारखानों के सुंदर साथ से हम मिलेंगे, शेयरिंग सेवा कारखाना। सबको जाहिर करना है, छुपा छुपा के नहीं रखना कि ये सेवा कर रहे हैं, हमारे रतन है वो, सबके सामने आए, सबको आकर्षित करें सेवा के लिए, प्रेम के लिए। तो तीन सुंदर साथ के नाम जरूर भेज दीजिएगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी।